देखो मुन्ना, शहर में और भी बहुत लड़की है। हम तुमको अच्छे लगते हैं, तुम हमको अच्छे नहीं लगते। बात खत्म। ये प्यार ना साला बहुत चूतिया चीज है स्वीटी। जो ना होता ना तो इतनी बेइज्जती पे तो अभी तुम दोनों को निपटा देते। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। हे व्हाट्सअप, तो की हाल चाल, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है आपके भाई के चैनल सब्बू गेमर पर। तो यार क्या ही बोलूँ, इतना प्यारा सपोर्टर आपका सभी भाई होगा यार। पिछले वाले गेम प्ले में बहुत ही प्यारा सपोर्ट रहा, सो मैं भी शायद आगे ऐसे सपोर्ट करते रहूँगे। एंड यार जो भी यार अपने भाई चैनल पे न्यू आ रहा है, हो सके तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, एक प्यारी सी छोटी सी हेल्प हो जाएगी अपने भाई की। सो देखो क्या होता है। तो भाई इस वाले गेम प्ले में हम उतर चुके थे जोड़ पुल। तो यार एक नॉर्मल भाइयों का कमेंट आता है कि यार क्राउन टू पे हूँ, क्राउन वन पे, यानी क्राउन लॉबी लग चुकी है भाई, टॉप टेन कैसे कवर करें और कौन सी टाइमिंग में खेले। सो भाई यार मेरा मानना ना तो यार मॉर्निंग लॉबी खेलो, मॉर्निंग लॉबी इजी होती है कंपेरिजन टू नाइट की लॉबी। सो नाइट की 8 बजे के बाद से थोड़ी लॉबी हार्ड आती है, बिकॉज बोल सकते हो हैकर आने लगते हैं। सो अभी मेरे को मतलब मिलते हैं इक्का दुक्का, मतलब कभी कभार हैकर मिल जाते हैं, बट इतने नहीं मिलते। बट अभी कुछ नहीं हुआ है, जब week 3, week 4 या week 5 आएगा तब हैकरों की तादाद बढ़ जाएगी, तब आप बोलोगे यार बहुत हैकर आ रहे हैं। सो यही टाइम है रैंक पुश करने का, जितना हो सके उतना टाइम दो। एंड मैं भी ज़्यादा इतना भी नहीं कि सारा दिन घुसे रहो मोबाइल में, आराम से थोड़ा रिलैक्स भी फील करो एंड बस जल्दी जल्दी करो, बट इतना भी जल्दी नहीं, ठीक है। तो अगर क्राउन पे होता है यार, नॉर्मली आप दिन के 50-60 प्लस निकाल लेते हो तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। क्राउन 3 तक 50 प्लस 60 प्लस निकाल लो या 100 प्लस मैक्सिमम, अगर क्राउन 5 पे हो तो आराम से 100 प्लस निकाले, बात खत्म। आई नो बड़ी बात होती है 100 प्लस निकालना, बस 50 प्लस ही बोल रहा हूँ, तो 100 या 50 मैक्सिमम निकाल सकते हो आप। तो यार नॉर्मल जॉर्ज पुल में मैं उतर चुका था इस वाले गेम प्ले में। तो यार यहाँ पे एक बोट किल मिल जाता है, एंड देन भाई यहाँ पे बोट किल करने के बाद अच्छा खासा सर्वाइव निकल जाता है, 46 बंदे ही रहते हैं। यानी देखो हम बोल सकते हैं यानी लॉबी ठीक ठाक थी, लॉबी ठीक ठाक थी, तो वैसे बोलूँगा नहीं ज़्यादा बुरी भी थी, क्योंकि देखो यार नॉर्मली जो अच्छे प्लेयर होते हैं तो वो मॉर्निंग लॉबी ट्राई करते, बिकॉज यार वो बचते हैकरों से, अच्छे वाले अच्छे टायर वाले बंदे आते ही आते हैं। सो देखो यहाँ पे मेरी गाड़ी के साथ, यहाँ पे नहीं मतलब भाई 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 हो जाता है, सो यहाँ पे मेरी गाड़ी ठुक जाती है, मतलब उल्टी उल्टी हो जाती है। सो उस गाड़ी को हम छोड़ देते हैं भाई, चलते चलते हम निकल पड़ते हैं। तो भाई देखो बहुत ही स्पीड में, फास्ट एंड फ्यूरियस की तरह इतना तेज भागे ना, पता नहीं भाग मिलगा भाग वाली स्पीड में। तो देखो यार भागते भागते हम यहाँ तक आते हैं इस कोड़ा उसके आसपास, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा स्कोप स्कोप करते हैं। तो देखो क्या होता है, जैसे ही हम स्कोप करते हैं ना भाई साहब, भी हमें लग जाते हैं भैया बोट भैया, क्योंकि उनकी हलचल ऐसी। तो फिर भी मैं थोड़ा अलर्ट रहा, देन अंदर गया तो फाइनली भाई साहब बोट भैया ही थे। एंड भाई यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, पता नहीं क्यों खड़ी थी, बट अच्छा हुआ मेरे लिए ही। तो भाई ये गाड़ी उठाकर मैं नॉर्मली आगे वाले स्नाइपर टावर पे आ जाता हूँ, बंदे बचते 26। देखो भाई यहाँ पे 2 किल करने के बाद 26 बंदे, मैंने बोला ठीक है यार, फिर भी यहाँ पे स्नाइपर टावर पे मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हूँ। और कोई टेंशन ना लो, टॉप 10 इजी है। देखो मेरा खेलने का दो तरीका होता है, एक तो यार जोन टू जोन सर्वाइव करो, वो नाइट की लॉबी में करता हूँ यानी जोन के बाहर रहकर, और मॉर्निंग की लॉबी में होता हो तो लगभग सेंटर होल्ड करता हूँ, 2 जोन के बाद बोल सकते हो या 3 जोन के बाद बोलते हो सेंटर होल्ड करता हूँ। सेंटर होल्ड करने से क्या फ़ायदा, देखो पीछे थोड़ी सी फायरिंग चल रही थी यहाँ पर, तो भाई मैंने बोला कुछ नहीं अभी इग्नोर करो, देन एक अच्छा सा कवर। देखो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ नॉर्मली, एंड देन यहाँ पे मेरे कोई बंदा मिलता नहीं है, बट यार अलर्ट रहो कहीं पर भी जा रहे हो, बट फायरिंग हो रही थी। सो यार उस साइड बंदे थे, तो भाई मेरे को एक अच्छी प्यारी सी लोकेशन मिल चुकी थी यार आपके भाई को। तो यार आपके भाई के हाथ में थी मोसिन और M416, तो अच्छी प्यारी प्यारी गन थी, एंड लूट भी की थी यार, तो क्या ही करें। तो भाई मज़ा आ गया दो प्यारी प्यारी गन लेकर। तो भाई यहाँ पे बंदे स्पॉट करने का मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि एटैक्स का तो फुल फायदा। एंड देन भाई नीचे देखता हूँ, तो भाई नीचे से एक पे दूसरे स्नाइपर टावर पे बंदे आ चुके थे, तो भाई क्या ही बोले। तो भाई हमें पता कि धीरे धीरे बंदे आने स्टार्ट हो गए, यहाँ पे नॉर्मली 23 बंदे बचते हैं। एंड भाई सामने से फायर आता, तो उस साइड रिज के पीछे बंदे लड़ रहे होते हैं, सो उन भाई साहब का हम कुछ नहीं करते। एंड देखो हमारे साथ यहाँ पे क्या होता है, जब उन भाई साहब को स्पॉट करते थे, पीछे से भाई साहब एक गाड़ी लेकर हमारे घर के नीचे गाड़ी आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, तो भाई साहब जोश जोश में आ रहे थे, इनको पता है यहाँ पे कोई है, फिर भी यहाँ पे आना है, मतलब क्या ही बोलेंगे, भाई साहब के पास कवर नहीं था, तो भाई पिल जाते हैं। एंड भाई यहीं बैठे बैठे मेरा आराम से ना टॉप 12 टॉप 15 हो जाता है। सो कोई गाड़ी दिखती नहीं है, फिर एक भाई साहब नई गाड़ी आती है, सो देखो क्या होता है, इन भाई साहब को बहुत ट्राई करते हैं डैमेज देने का, ये अपनी उजी का प्रहार,
और ये उसी जमाने का ट्राई करते हैं, बट ये हमें डैमेज नहीं दे पाते हैं। देन भाई साहब ये भी पिल जाते हैं। सो यहाँ पे हमारे नॉर्मली 4 किलो हो चुके थे। देन भाई मैंने बोला भाई अभी टॉप 10 हो ही गया। तो सामने भाई साहब एक गाड़ी दिखती है, सो देखो क्या होता है। यहाँ पे मैं हेड का ट्राई करता हूँ पूरा, ताकि एक ही शॉट में काम हो, दूसरे शॉट मेरे को मारना ना पड़े। तो भाई साहब वो भाई साहब ही पिल जाते हैं। यहाँ पे हमारे भाई अच्छे खासे किल हो जाते हैं। एंड भाई देखो नीचे भी बंदे आ चुका था। देन वहाँ पे भी एक डासिया मतलब यूएसएड पड़ी थी। सो देखो वहाँ पे दो बंदों की फाइट होती है, मेरे को नहीं पता। देन भाई अंदर बंदे फाइट चल रही होती है। देन भाई पिल जाता है एक बंदा। सो क्या ही बोल सकते हैं। सो एक पल के लिए लगा वहाँ पे टीम अप, बट जब फाइट की ना तो क्या ही बोलूँ। एंड देन भाई मैं ट्राई करता हूँ गेट तोड़ने का, एंड गेट तोड़ता हूँ तो हल्की फुल्की बुलेट उसको लगती है। सो क्या ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बोल दिया भाई अब मतलब देख लिया कि भाई अब वो बंदा बाहर आने वाला है नहीं, क्योंकि उसको पड़ चुकी है और मेरे पीछे भी एक बंदा था। सो उसका कुछ कर नहीं सकते। और ये बंदा बहुत हरामी था, बट अब क्यों पता है? क्योंकि देखो अंदर स्टिकर चिपका दिया ताकि ऐसे लग रहा है कि कोई बंदा पिक करे, एंड देन भाई कोई ना कोई उसकी ओर देखे। तो भाई साहब बहुत हरामी बंदे थे, एकदम चिपक गए थे। एंड पीछे फायरिंग हो रही थी, मैं ट्राई करता हूँ पीछे वाला बंदा स्पॉट करने का, बट ऐसा मेरे को स्पॉट नहीं होता है क्योंकि वो शायद डाउन रीच से जा चुका था। एंड देन सामने एक मेरे को BRDM दिखती है। तो BRDM के नीचे एक बंदा था भाई साहब, उनको कोई पेल देता है। तो मैं ट्राई करता हूँ उसे मारने का, बट ऐसा नहीं हो पाता है। सो क्या ही बोले, बट मेरे को ये बात समझ नहीं आई वो भाई साहब BRDM के नीचे से कूदे क्यों और वो पिल क्यों गए। इसी जगह पे एक दूसरे भाई साहब आ जाते हैं और मैं बॉल ट्राई करता हूँ उन पर एंगल बनाने का, बट वो थोड़ा जिगल कर रहे होते हैं, इसकी वजह से हमारी गोलियाँ नहीं लग पाती। तो हम उनको कर देते इग्नोर। फिर भाई साहब पीछे वाले बंदे को स्पॉट करते क्योंकि यार कहीं कुछ हो ना जाए। एंड भाई साहब आगे वाला एक स्नाइपर टावर भी था जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, वहाँ पे हमें पता नहीं है कंफर्म कि बंदा है या नहीं है। क्या पता उस बंदे ने पीछे पुश कर दिया या आगे पुश कर दिया, कोई एंगल हमारे पास नहीं था भाई। बहुत और से फायरिंग हो रही थी, सामने DP चल रही थी। एंड देन भाई क्या ही बोले। फिर मैंने वो ट्राई किया भाई वो सेक वाला बंदा दिख जाए, बट भाई साहब सेक वाला बंदा निकलने का कोई नाम ही नहीं, मतलब मेरे को आना ही नहीं है भाई, बात ख़त्म। तो भाई इतना खौफ था आपके भाई का, मजाक कर रहा हूँ, डर रहा था। तो भाई यहाँ पे मैं निकल जाता हूँ पैदल पैदल, गाड़ी ठुक जाती है, सो वो मैंने थोड़ा स्किप कर दिया। तो भाई साहब यहाँ पे भाई ने पूरा स्मोक कर दिया था, आने की ट्राई कर रहा था। एंड भाई दो गाड़ियाँ पड़ी थी, वैसे यहाँ पे मैं घुस जाता हूँ सीधा नीचे स्पॉट को, तो बट नीचे को दिखता नहीं है। एंड देन भाई सीधा ऊपर जाता हूँ, बट भाई कोई दिखता नहीं है। तो भाई सीधी बात है स्मोक में कोई ना कोई हलचल थी, तो स्मोक की ओर से एक दो बंदे की फाइट हो रही थी। तो देखो यार अब दूसरे बंदे की तो लोकेशन पता नहीं, एक बंदे की तो लोकेशन पता थी क्योंकि वो दिख गया था, आपको पता होगा। तो मैंने ट्राई बहुत किया, बट अगर मैं उस टाइम खिड़की पे रहता तो शायद मेरे को वो बंदा पेल देता। सो मैं कुछ नहीं करता एंड पीछे आके थोड़ा सा हील विल करने का ट्राई करता हूँ। मैंने बोला भाई अगर नेट भी आया ना तो गया। तो भाई आराम से मैं हील करता हूँ, यहाँ पे बूस्टर वूस्टर मारता हूँ। एंड देन भाई अपना हील रिकवर करने के बाद देखो उस बंदे को हम कैसे पेलते हैं। तो भाई पूरा स्मोक था आसपास, कोहरा ही कोहरा, एंड उसको राइट से पड़ रही थी। और क्या ही बोलूँ, तो ऐसे बोल सकते हो भाई वो बंदा पूरा फंस चुका था। अगर वो राइट में जाए तो उसे वो बंदा मार दे, नहीं तो मैं मार दूँ। तो भाई मेरे को लिटरली वो बंदा स्पॉट नहीं हुआ, वो मैंने सोचा इस पेड़ के पीछे होगा, बट ऐसा नहीं होता है। सो देखो क्या होता है, वो दूसरे पेड़ से निकल के इस पेड़ पे आने का ट्राई करता है। एंड भाई साहब वो पिल जाता है। सो भाई इसको देख के लास्ट बंदा मेरे पे अंधा पुश करता है, बट मेरे को पता है वो मेरे पे पुश करेगा क्योंकि उसके शायद नेट वेट मोली वोली जो भी थी ख़त्म हो चुकी थी। तो मैं अच्छा खासा कैम्प करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कौन से एंगल में रुकूँ अगर वो बंदा पुश करे तो। बट भाई देखो क्या होता है, यहाँ पे पूरा बूस्टर किया, बंदे ने कोशिश की नहीं आने की। एंड देन भाई साहब बंदे आने लग जाते हैं। मैं एक पल के लिए सोचता हूँ बाहर कूद जाऊँ, बट मैंने बोला बाहर छपे उसके पास अच्छा एंगल होगा। तो देखो मैं यहाँ पे आके कैम्प करने लगता हूँ कोने में। एंड देन भाई साहब आते हैं और पिल जाते हैं। सो यहाँ पर यार नॉर्मली हमारे 7 किल के साथ चिकन हो चुका है, अच्छे खासे प्लस निकल चुके थे। आई नो वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं थोड़ा वीडियो को स्किप करता हूँ, 25+ निकल जाता है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा था। एंड मैं भी टॉप 10 का देखो क्या कुछ करें नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, चिल मारो। एंड यार लाइक वाला बटन दबा देना है, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाना यार, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बाय।